कोई एडिट ही नहीं करने दे रहे हमें भाई। आपके लिए वो परचेजर आए हुए हैं, थोड़ा चेक कर ले आपके कितने रेट लगाने हैं। यार आपको जो दिल कर रहा है बेचो बेचो, आपका जो दिल कर रहा है बेचो भाई। यहाँ से हमने स्टार्ट करी ताकि जो अवेयरनेस है इनके पाकिस्तान का सेकंड बड़ा सेक्टर, तो उस हिसाब से एग्जीबिशन किया गया। एक तो अवेयरनेस हो और पोल्ट्री को लेकर जो लोगों की मिक्स हैं और डील्स हैं उन सब चीज़ों को, और कुछ मेल है उनके सीने पर हल्की सी लाइन है फीमेल के, बाकी मोस्टली मेल है। गोल्डन बफ है, पॉलिश है, सिल्की है, सेपराइट है, ये ब्रीडर है इंडियन गेम का, इसने एग्स भी दिया है माशाल्लाह। अभी अभी एग्स दिया, इतना पूरा शोर में ये चीज़ें चल रही हैं। कैमरा मैन एक हमारे साथ हैं और क्या कहते हैं आपको ज़रा दिखा देते हैं बट की सिचुएशन क्या है। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत किस्म का ये तोता, और इससे हो गई हमारी दोस्ती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना ऑल सेट फॉर एग्जीबिशन, और सामान आपको दिखा दें हमारे पास क्या है। डक्स हैं, चिक्स हैं, बटेर हैं, इतनी बड़ी गूस है, उसके अलावा मिस्री के बर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो बर्ड्स हैं ना वो एग्जीबिशन के लिए तैयार हैं। और हम लोग क्या टाइम हो रहा है अभी अंदाजन 8:30-9 हो रहे होंगे अभी, तकरीबन 9 बजे 9 के करीब बज रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा हम खुद भी लेट हो गए, लेकिन कह रहे पहुँच जाएंगे, यूनिवर्सिटी दूर नहीं है, हम आयशा मंजिल के ऊपर खड़े हैं तो इंशाल्लाह ताला जल्दी से पहुँच जाएंगे। तो चलें वहाँ के आगे की जाके आपको चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या क्या हमारा प्लान है। बाकी भाई फैज भी है और सब है, तो जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी थी वो मैंने रात को इसीलिए अपलोड करी थी कि आप लोग देख लें जल्दी, शायद 1:30 बजे के करीब अपलोड हुई क्या ना, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब अपलोड करी थी हमने, तो इसलिए सुबह भी जल्दी रेडी शुरू हो गया, तो देखेगा जरूर। चलिए मिलते हैं। अच्छा भाई सीधा सीधा मस्कन से आप आओगे ना यूनिवर्सिटी कभी भी, तो IBA पड़ेगा आपको, IBA से और मस्कन वाले गेट से और आगे आओगे तो अप्लाइड केमिस्ट्री के फौरन ही बाद हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो निशानी ये है कि केमिस्ट्री कैंटीन एकदम साथ है यहाँ पे, और कैंटीन के बिल्कुल साथ जो है ना वो हमारा डिपार्टमेंट, आपको ज़रा टेंट वगैरह भी दिखाते हैं। और ये आ गया हमारा प्यारा सा एग्जीबिशन का टेंट, बिल्कुल तैयार, ऑल सेट फॉर टुडे। और मैं आपको ज़रा जाके अपडेट्स वगैरह दिखाता हूँ क्या सीन है, क्या प्लान है वहाँ का, और जो नहीं आएगा ना भाई वो मिस कर देगा, समझ लें इतना बेहतरीन आपको एनवायरनमेंट मिलता है यूनिवर्सिटी का, जो नहीं आएगा वो यकीन करें मिस कर देगा। अच्छा भाई यहाँ पर हम आए, पर हमें अब जाके मालूम हुआ कि खाली हम लेट नहीं थे, थोड़ी सी मैनेजमेंट में हमारी अभी कसर रह गई थी, लेकिन समझ लें ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा इसको सेट करने के अंदर, उसके बाद सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अभी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ केजेस की क्या सिचुएशन है। केजेस की सिचुएशन कुछ ये है कि अभी बस रखना शुरू हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे टेबल्स पे आते जाएंगे सारे के सारे केजेस लाइन से, और उसके साथ जो है ना मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कुछ किसी खास मामले पे बात चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। और ये जो है ना बर्ड्स सारे के सारे यहाँ पे रखे हैं, आपको बर्ड्स दिखाते हैं ज़रा जल्दी से। ये हमारे मज़दूर भाई और ये उनके साथ के भाई। वही अपने सेट कर रहे हो अभी? सही है, चिपका चिपका के रखोगे या गैप रख रहे हो बीच में? नहीं रख रहे, साथ रख देंगे, चलो ऐसा कर लो। हाँ अच्छा जी भाई एग्जीबिशन ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है, और अभी हमारे साथ हमारे एक और सीनियर क्लास के बच्चे, और ज़रा मुझे बताएं बच्चा, मैंने उनके मेंशन कर दिया, यार आपके ख्याल में कैसी एग्जीबिशन है? हमारे ख्याल से हमने 3 साल पहले एक पौधा लगाया था, अब वो दरख्त बन गया है, देख सकते हैं। तो एग्जीबिटर आए हुए हैं उस तरफ, हमारी इंडस्ट्री बैठी हुई है, और यहाँ पीछे मीडिया वॉल लगी हुई है, ये स्कूल विजिट करने के लिए आया हुआ है, और ये सारी पिक्चर्स क्लिक हो रही है, और बहुत अच्छा जो है आज का माहौल है। अच्छा भाई यहाँ से आपको ज़रा दिखाते हैं आगे की एग्जीबिशन की फुल डिटेल, और अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है पर हमने कहा ज़रा इसको कंटिन्यू कर लें कहीं देर ना हो जाए। तो ये हमारे साथ हारिस भाई हैं, साथ में फाइक भाई, सलाम करते हैं एक दफ़ा टीम के लोगों को। तो आप यहाँ से एंटर होते हैं और ऐसा ऐसा गाइडलाइन करते हुए चलेंगे। यार आपका नाम क्या है? हसी भाई। हसी भाई आप एक दफ़ा दिला दें, हसी भाई हमारी क्लास के नहीं है फिर भी हसी भाई हमारे भाई हैं। आओ भाई चलो चलो जल्दी से दिखा देंगे, चले भाई हरीश भाई आपको ओवर क्यों दिखा देंगे? तीसरी दफ़ा कर चुका हूँ, एडिट ही नहीं करने दे रहे हमें भाई। आपके लिए वो परचेजर आए हुए हैं, थोड़ा चेक कर ले आपके कितने रेट लगाने हैं। यार आपको जो दिल कर रहा है बेचो बेचो, आपका जो दिल कर रहा है बेचो भाई। यहाँ से हमने स्टार्ट करी रजिस्ट्रेशन से, और ये बंदे बैठे हुए दो, एक का नाम माइकल, माइकल भाई वही जो बटेर जीते थे जिनके हमने बटेर खा लिए, आपको बटेर मिल जाएंगे। दूसरा ये जिया बंदा है, और तीसरा रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है ना वो वहाँ पर है, और उसके अलावा एक हेल्प डेस्क वहाँ पर है। भाई भाई अब एंट्रेंस ज़रा बनाएं, जल्दी से रास्ता बनाएं वहाँ से, और हम चल के आगे चीज़ें रिकॉर्ड करें। अच्छा यार देखो एग्जीबिशन के ड्यूरिंग में तो ना हमारे पास एक और चीज़ आ गई, याद पे आएगा? आएगा आएगा आएगा। ये काकाटू आ गया हमारे पास एक, और एक और नई चीज़ भी आ गई साथ में, वो है बड़ा प्यारा सा मोर। यूट्यूबर भी इंट्रोड्यूस कराओ, यूट्यूबर। अच्छा ये आपका चैनल है? आपका चैनल है ना बीफोर बर्ड्स के नाम से ना? तो भाई इनका चैनल माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और मैंने दफ़ा कंफर्म कर लिया
120,000 के करीब व्यूज है और ये मेरा कान खाने में लगा हुआ है फालतू के अंदर। तो भाई आपको मिलेगी बकरों की अपडेट ज्यादा मिलती है आपके पास, है ना? बकरों ओवरऑल सारी चीजें मिलेंगी। उसके साथ चले हम आगे की तरह चीज दिखाते हैं, जरा इसको ले लो, मेरा कान खा जाएगा पूरा। आए भाई जरा आगे से दिखाते हैं जल्दी जल्दी से, यार अंदर से ले लो, यहाँ पे रश ज्यादा है, अंदर से ज्यादा बेहतर आ जाएंगे हम। अच्छा भाई आरिस भाई आपको यहाँ से गाइड करते हुए जाएंगे, और एक एक चीज जिसे कहते हैं ना एग्जीबिशन से रिलेटेड वो आपको आरिस बताएंगे। हम बाहर से इसलिए नहीं आ रहे, वहाँ पे रश बहुत है इसलिए हम अंदर साइड से आ रहे हैं। आरिस भाई बताएं पहली ब्रीड का। हाँ आपको बताते हैं, ये देखिए ये ब्लू कोचिंग की कैटेगरी में आता है, ये ब्लू कोचिंग कहलाता है। जल्दी जल्दी बताना, हमने 3 मिनट में वहाँ तक पहुँचना है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कैमरा मैन को कह रहा हूँ। ब्लैक कोचिंग सही है, उसके बाद ये पॉलिश की कैटेगरी में आता है। सही है, ये भाई से ही पूछेंगे क्योंकि मुझे इनका नाम पक्का नहीं। भाई ये आ रहा ही आ रहा है, यार इनसे भी आइडिया लेते हैं यार, आप बताओ एग्जीबिशन के हवाले से कैसा रिस्पॉन्स है? और मेरे साथ से आप हमारे साथ तीसरी दफा, बिल्कुल डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं ये, और इनका जो काम है ना वो मैं आपको जरा ब्रांडिंग दिखाता हूँ किस नाम से। मेरा मैक फॉर्म के नाम से दिया, या भी आप लोग ने दिए मैक फॉर्म से नाम से लोग काम करते हैं। इनकी फेसबुक नंबर वगैरह मैं कोशिश करता हूँ एडजस्ट लगा दूंगा वीडियो के साथ। और इनके पास ये सारी की सारी वैरायटी है, इसके चिक्स भी अवेलेबल हैं, चिक्स इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे, और इनके अगर किसी को बर्ड चाहिए तैयार तो वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी। अच्छा सबसे बेहतरीन बर्ड कौन सा ये मुझे बता दो, रेट क्या है उसके, सबसे बेहतरीन जो खास चीज़ हो यहाँ की? यार कुकू सिल्की मिल जाएंगे अभी यहाँ, सिल्की दिखाओ जरा किस क्वालिटी में, कितने का रेट है? ये क्या प्राइस है इनके? या प्राइस है मेरे अपने पर्सनल घर के लिए, तो मैं अभी प्राइस इसकी रिवील नहीं कर सकता भाई, ये फॉर सेल नहीं है, पर ये दिखा दिया हमने, बस मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे सिर्फ आइडिया के लिए। चले मैं आगे के बर्ड्स भी आपको दिखाता हूँ जरा आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा ये सारी चीज़ें तो आ गई, हरीश भाई दिखा दिए, हरीश भाई जरा इस ब्रॉयलर के बारे में आपने बताना है, ठीक है भाई? खास किस्म की चीज़ें वो आपको जरा दिखाते हैं अलग से। देखिए ये है ब्रॉयलर बर्ड जो कि 40 डेज में तैयार होता है, लेकिन ये किसी एक भाई ने अपने पास ऑर्गेनिक 1 साल से घर पे पाला हुआ है, तो आप इसका हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं। ये कम से कम भी मिनिमम जो वेट होगा ना इसका 5 kg होगा, इससे कम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी हाइट में, वीडियो में आपको शायद ना पता लग रहा हो लेकिन ये बहुत अच्छे साइज में, इसका वेट बहुत अच्छा होगा। अच्छा भाई ऐसा है कि ये जो बर्ड है ना आपको, इसकी हमने लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में पाला था तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल की करीब की फीमेल है, उसको बहुत तरीके से ग्रो किया गया और ये अंडे भी देती है ब्रॉयलर की फीमेल। आपने फर्स्ट टाइम नोट किया होगा, मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है कि ब्रॉयलर की फीमेल अंडे देती है। जरा इसका आपको शक्ल दिखाता हूँ करीब से, गोरी गोरी ये आ गए भाई साहब हमारे। सलाम वालेकुम सर, सर इस स्टॉल पे मिले आप हमें, ज़रा दूसरे भाई भी मिल गए हमें अभी, ज़रा दूसरे स्टॉल की आपसे ज़रा ट्राई लेते हैं और उसके बाद आपको ज़रा बताते हैं क्या कंडीशन है। कौन बुला रहे हैं यार, उनको बोलो ज़रा 2 मिनट एडजस्ट कराएं जब तक हम लोग ये काम निपटाते हैं सारा का सारा। अच्छा भाई 3-4 दफ़ा करने के बाद ब्लॉग फिर हमारा पोस्टपोन हो गया और अब जो है ना बिल्कुल फाइनल करके आपको ज़रा चीज़ों का आइडिया भी देते हैं। तो यार कुछ बच्चे बच्चे भी आए हैं और उसके साथ साथ जो ना आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं। ये आसिफ भाई हैं हमारे, ये हमारे जूनियर हैं और ये चिप्स खा रहे हैं, इनकी खास बात ये है कि आपको चिप्स खिलाते भी हैं, तो चिप्स खा भी सकते हैं आप। तो चले अली भाई जरा पहले बच्चों को दिखा दें, ये चले आगे डायरेक्ट बच्चे दिखा दें, बच्चों सारा विजिट कर लिया भाई, स्कूल के बच्चे सारे वापसी जा रहे हैं घरों को अपने, ये सारे के सारे बच्चे स्कूल के आए हुए थे। कौन सा स्कूल था वैसे, नाम क्या था? ये मॉन्टेसरी ऐसे कुछ नाम था इनका, एग्जैक्ट नाम याद नहीं है लेकिन आपका 100+ बच्चे आए भाई। ये तीसरा चौथा स्कूल था इसलिए मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्टली, पता लगे यूनिफॉर्म में फर्क आ रहा है इसलिए हमको जाने देते हैं। और उसके बाद ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं यार, हमने वहाँ से कंटिन्यू किया था वो फिर रह गया, अब यहाँ से इसको शुरू करते हैं और जल्दी से उसको एंड करते हैं। वहाँ पे मीडिया का शिफ्ट कर, वहाँ पे मीडिया खड़ा हुआ है तो मीडिया से जो ना पहले ही हम उसको रिकॉर्ड करके आपको जरा अपडेट देते हैं क्या सीन है। यहाँ पे पोल्ट्री के जितनी भी एग्जाम है ना वो तकरीबन और उसके अलावा ये डक्स, उसके अलावा पीकॉक, पीजंस, एक्चुअल पोल्ट्री जिसमें जैसे काउंट किया जाता है कि मुर्गियाँ वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी जाती है। जैसे कि ये वाली आप डक देख रहे हैं तो मेडियन डक कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर ये बर्ड सारे बेसिक पर्पज़ ये है कि जो बर्ड एग के लिए और मीट के लिए कंज्यूम हो जाता है उसको हम पोल्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। तादाद नंबर ऑफ बर्ड अराउंड 95 के करीब है, यानी कि नियर अबाउट 100 बर्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद। एग्जाम समझ लिए कम से। अच्छा इन्फॉर्मेटिव के हिसाब से बात करें तो बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नई थी समझने को, जैसे कि कुछ रेजिडेंशियल ब्रीड्स जो होती हैं और लोकल ब्रीड्स इंपोर्टेड ब्रीड्स, उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, यानी कि इंपोर्टेड ब्रीड्स हम ले तो लाते हैं यहाँ पे लेकिन जाहिर सी बात है उनको सस्टेन नहीं कर सकती, उनके कंपैरिजन में लोकल ब्रीड्स प्रोटेक्शन कम देती है, तो जो एक ओवरऑल कंपैरेटिव मार्केट है ना उसका बड़ा अच्छा आइडिया। उसके अलावा पोल्ट्री रिलेटेड अवेयरनेस, उसके हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें इसमें है ताकि जो अवेयरनेस है इनके पाकिस्तान का सेकंड बड़ा सेक्टर है, तो उस हिसाब से एग्जीबिशन शुरू किया गया, एक तो अवेयरनेस हो और पोल्ट्री को लेकर जो लोगों की मिक्स हैं और डील्स हैं उन सब चीज़ों को भी लेके चल रहा है। तो उस हिसाब से फैंसी का एक तो शौकीन लोगों के हिसाब से और साथ साथ जो उसका कमर्शियल एक्सपेक्ट है, यानी कि मैं आपको जैसे बताया कि सेकंड बड़ी इंडस्ट्री है, तो उस हिसाब से भी एक्सपेक्ट लोगों को आइडिया हो चुका है।
अच्छा जी भाई, अब जरा आपको एक आइडिया दे देते हैं छोटा मोटा सा, और वो ये है कि अभी जो एग्जीबिशन में रश की सिचुएशन है ना, वो कुछ यूँ है, जो नहीं आया ना भाई उसने मिस कर दिया, नहीं कर दिया, अरे बताओ। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। शुरू में तो देखें एग्जीबिटर थे नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा ना तो एग्जीबिटर आना शुरू हुआ, उसके बाद जो रश लगा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रश कम नहीं हो रहा है। और मैंने देने सारे के सारे एग्जीबिटर्स का इंटरव्यू लेना है, लेकिन थोड़ा रश कम होगा ना तो लेंगे। फाइक भाई टॉफी वॉफी खिला दें। फारिक भाई, ये फारिक भाई बताएंगे, फारिक तो आप ऐसे नहीं, ये कट नहीं हो रहा, चलो खैर। अच्छा ये बताओ, ये बताओ एग्जीबिटर फुल हो गया एग्जीबिशन के वाले से, पैसे पूरे हो गए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया पैसा। हाँ, पैसा लगा कितना था ये नहीं बता सकता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अच्छे खासे हमारे पास स्पॉन्सर थे इस दफ़ा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा थे इस दफ़ा। और जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री को लिंक करने का, मैं फ़ायदा ये हुआ, अगर मैं आपको मीडिया वॉल दिखाऊँ ना हमारी, वहाँ पे देख सकते हो कितने सारे एग्जीबिटर्स हैं, ये सब हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और ये सब के सब या तो हमारे साथ लिंक में आए हुए। चलें ज़रा आपको आगे का कंटिन्यू करके दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद, जब रश कम हो जाएगा उसके बाद। अच्छा एग्जीबिशन की तरह आपको सबसे खास बात बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। क्या रखा है ये यार, मैं वहां से आया उठता हुआ, मैंने कहा शायद मोर आ गया, इतने लोग गौर से लगे हुए देख रहे हैं ये खास किस्म का, ये लोग आगे दूर से देख रहे हैं कि शायद ये खास चीज है, और ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चश्मा रखा हुआ है। सही शुगल है इस बात से, सही शुगल जिसे कहते हैं ना इंतहा का। अच्छा मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं वहाँ से उठकर आया हुआ था, मैंने कहा शायद कुछ खास चीज़ है जो इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है। आपने देखा उसके अंदर क्या है? आओ आओ आप जरा जल्दी चल के देखो, इसके अंदर वो है मोए मोए मोरे 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 दो बंदे मुबारक हो। ये दो बंदे और आए, इनका भी कुछ भी नहीं रहा था। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई ये सबसे ख़ास चीज़ हमारी एग्जीबिशन की, और ये आ गए मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आज तो व्लॉग सही चलेगा। इनसे ज़्यादा खूबसूरत शख्स मैंने देना कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये असील, ये सारे देसी चूज़ हैं, और इनके साथ यही देसी मुर्गी होती है सुबह के टाइम पर, वो सारी चीज़ प्लस करती हैं, और इसके साथ बटेर से कुछ खाने के लिए हम लोगों ने निकाले थे, तो बचे वो हमने इस तरीके से देख लिए। गोश्त में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, अगर आप सुबह भी खाए होंगे माशाल्लाह से, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं ना बेहतरीन किस्म का गोश्त। नहीं निकलता तो कम है, लेकिन इतना मज़ेदार गोश्त, इतना सॉफ्ट गोश्त, यानी कि एक बंदा 8-10 खा लेता है अगर खाने वाला। खाने के लिए भी पाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सख्त जान है, ऐसे इंक्यूबेटर से निकल जाते, खुद हैच नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त जान है, अगर आप पालो ना इनको मौसम में ऐसे छोड़ दो। बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, और मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है, उसके अलावा जैसा मर्जी मौसम हो आप इनको छोड़ दो, सर्दी हो गर्मी हो, अंडे इंक्यूबेटर से नेचुरली नहीं करते, ज़्यादा तो ख़राब करते, तो वहाँ से एक अच्छी प्रोडक्शन मिलती है, यानी कि 65% ये सब मेल है, नहीं मिक्स है, मेल फीमेल दोनों मिक्स है, और कुछ मेल है उनके सीने पर हल्की सी लाइन है, फीमेल के बाकी मोस्टली मेल है। दो महीने 3 महीने के अंदर तैयार है। अच्छा, और खाने के लिए भी, और उसके लिए वैसे खाने में तो 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, अगर आप खाने के लिए रखो तो चीज़ होता है 8-10 ग्राम का, और उसके बाद जब खाने का टाइम होता है तो तकरीबन 150 ग्राम। उसको रखा क्या घर के अंदर रख सकते हैं? घर में आराम से रख सकते हैं, आपने जिस तरह चूज़ों की आप ब्रूडिंग करते हैं ना, उस तरीके से ब्रूडिंग में इसको रख दें, फिर जब बड़े हो जाए तो मुर्गियों के साथ वैसे ही छोड़ सकते हैं। मुर्गियाँ मर सकती हैं, ये नहीं अपनी जगह से उड़ते हैं, यानी कि 8-10 फीट की हाइट पर ही घर से भाग जाते हैं, केज में रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से फिर एक काम करें ना, कुछ अंदर रख लें और कुछ बाहर छोड़ दें, तो फिर सारे उनके साथ ही रहेंगे बाकी के। 150 ग्राम ये 170 ग्राम के कितने होते हैं? 100 ग्राम 105 ग्राम, लेकिन बहुत मुनासिब गोश्त है, कहते हैं असल चेस्ट जो होता है ना वो चीज़ पता चलना चाहिए, ऐसा सूप बना, सूप के अलावा कढ़ाई अगर कभी ट्राई करें ना उससे मज़ेदार कुछ नहीं निकलेगा। कैसे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बोला था अगर आपको पता है,
ये सिल्की के क्रॉस सिल्की है, सिल्की का बर्ड है और ये ब्रह्मा का बर्ड है। अच्छा भाई, तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया है और सारे के सारे जो वो है ना मेन लोग जो हैं वो चले गए हैं। अब रश आएगा दूसरा 3-3:30 बजे के करीब, जब इवनिंग के बच्चे आएंगे यूनिवर्सिटी में। तो अभी जो है ना, अभी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं एक क्विक सा कि जो जो एग्जीबिटर्स हैं उन सबका क्या हिसाब किताब है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये पूरा एक कम्प्लीट ब्लॉग एक ही हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से चिक्स कॉर्नर की तरफ से और यहाँ की आपको एक एक करके अपडेट देते हैं ज़रा जल्दी जल्दी से। हम मैनेजमेंट में यानी कि कार्ड वार्ड है हमारे पास, तो हमारा कोई इशू नहीं है, हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यार ये बताओ, फ्री है तुम्हें से कोई? हाँ यार ये बताएं, आप क्या क्या लेकर आए हैं और किस नाम से काम करते हैं, क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं? जी माशाल्लाह से हमारा जो फार्म है चिक्स कॉर्नर के नाम से हमारा सेटअप है, ठीक है। और हम आपके व्यूवर्स के लिए जो लाए हैं अपना बैंटम की मुख्तलिफ वैरायटियां लाए हैं। एक मिनट, मैं आपको बर्ड्स दिखाता हूँ। ये बैंटम है, ये इनके चिक्स हैं। ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में चिक्स लाए हैं, मिल जाएगा। इसमें आपका आयाम सिमानी है, गोल्डन बफ है, पॉलिश है, सिल्की है, सेपराइट है। ये ब्रीडर है इंडियन गेम का, इसने एग्स भी दिया है माशाल्लाह। अभी एग्स दिया है, इतना पूरा शोर मचाया है इन्होंने, इतना ज़्यादा शोर मचाया है कि आप बैंटम है, ये वाइट बैंटम है, तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना शोर वोर मचाया और सारी सारी चीज़ें। ये देखें, अभी इन्होंने अंडा दिया है। और कौन सी ब्रीड है ये? इंडियन गेम के लाती है यार। इनके प्राइस बताओ इसके? ये सेल आउट के लिए नहीं है, सेल आउट के लिए नहीं है, खाली चूजा बिकेगा। ये मॉल्टेड का प्योर सेल आउट के लिए, इसके 10,000 रुपये ट्रायो के मांग रहे हैं, दो फीमेल एक मेल के। और इसके इसके जो अपना 6,000 रुपये के भाई। नाम चिक्स कॉर्नर है इनका, नंबर आपको यहाँ पर गिवेन है और जो भी रिस्पॉन्स हो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी है, वहाँ पर भी है, व्हाट्सएप पर भी हमारा नंबर है। यानी कि बेसिकली फैंसी बर्ड सेल करते हैं ये, और उसके साथ साथ जो सेल करते हैं ना वो करते हैं चिक्स वगैरह सेल करते हैं और एग्स करते हैं। चले अगले स्टॉल पर चले जाते हैं। अच्छा भाई, अगला जो वो है हमारा, वो हमारा अपना ही है और फैज़ भाई इस यहाँ पे लीड कर रहे हैं। और फैज़ भाई ने जो स्टॉल लगाया था आज खान एचडी के नाम से, हमने लगाया ये स्टॉल। अच्छा फैज़ भाई बताओ जरा क्या क्या है हमारे पास और किस तरह की चीज़ें? वलीद इससे पहले माशाल्लाह। अच्छा एक मिनट रुको भाई, सुबह सब फ्रेश थे, अभी सबके चेहरों पर जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, रात के भी जागे हुए और सुबह से भी तो ना अच्छी खासी ज़्यादा मेहनत भाई। कल कितने काम किए हम लोग, कल कितने काम करे, मगरिब के टाइम फ्री हुए, रात को हमने ब्लॉग अपलोड किया और दोबारा आपके सामने हाजिर है, तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा लेकिन एंड तक देखेगा अच्छा लगेगा। तो फैज़ भाई जरा बताओ क्या क्या चीज़ें हमने रखी है इसके? हमारे पास सिल्की का पेयर आया हुआ था, सुसेक्स का पेयर आया हुआ था, ब्रह्मा आया हुआ, तो सारे आप देखें तकरीबन निकल गए। बीच खाने में आपने देखा हमारे पास फैंसी के बर्ड्स के बच्चे पड़े हुए थे, वो भी निकल गए। अच्छा एक चीज़ भाई, सुबह के टाइम बहुत सारी चीज़ें थी, अभी इसलिए सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं कि भाई सुबह बहुत रश था, आपके सामने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। अभी करते हैं कोशिश करके और आपको दिखाते हैं जरा क्या रिस्पॉन्स है। ये गिनी फॉल भी हमारे पास है और फॉल बचा है, ये फॉर सेल के लिए है, आपके जो भी आएगा ना तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दिएगा तो इंशाल्लाह। फैज़ का नंबर आप नोट कर लें, फैज़ भाई नंबर बता दो अपना मुँह से जल्दी से। 0336370483। हाँ तो फैज़ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फैज़ से करें मुझसे करें बात एक ही है। अच्छा जी बटेर है, ये बटेर हमारे वही हैं जो हमारे घर के ऊपर रखे हुए थे और ये हमारे एग्जीबिशन का पार्ट है। अब इसके बारे में बताओ, तो ये एग्जीबिशन में आ गए, ऐसा तो नहीं है 250-300 रुपये पर पीस कर दोगे? नहीं नहीं भाई, ये वैसे फॉर सेल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये हमने वैसे ही रखे हुए हैं और इनको गर्मी लग रही है मेरे हिसाब से बहुत टाइट, पानी इनको देना पड़ेगा है ना, इनको पानी फौरन से दे देते हैं। उसके साथ ये भी हमारे घर की गोल्डन मिश्री की मुर्गी है जो मैंने सुबह को गाड़ी में दिखाई थी भाई, ये भी माशाल्लाह से वलीद बताओ 15-20 आई थी और ये सब 2 बचे में मुर्गे की वजह से बच गए, ये भी इंशाल्लाह बिक जाएगी भाई। ये पूरा का पूरा केज भरा हुआ था सुबह, मैंने आपके सामने मेरे ख्याल से डाला था, शायद वीडियो मिस हो गई हो, लेकिन ये सारा का सारा सेल आउट हो गया, अभी एंड हो गया। इसके साथ चूजे थे वो भी 40 के करीब थे, 40-50 कुछ लेके आया था, अब 10-15 कुछ रह गए, 8-10 कुछ रह गए, 8-10 के करीब बचे हैं बस चूजे, और वो भी सारे के सेल कर दिए। असल देखें पैसे कमाना नहीं था, असल था सिर्फ और सिर्फ चीज़ें लोगों को लाके शो कराना, लेकिन ये है कि शो भी हो गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी हो गई। 2:30 बजे का वक्त है अभी, तो आपको पता है 4 बजे तक चलनी है, आराम से इजीली सेल हो जाएगा, आराम से सेल हो जाएगा ब्रेडनेस सर्वे में। अच्छा सेल के लिए तो हम आए नहीं है, आपको भी पता है वलीद भाई, हम लोग ने करवाई है सेल के लिए, ये उनके लिए बेस्ट है जो छोटे स्केल पर काम करते हैं ना, वो अपनी इधर आए मार्केटिंग करें, कुछ भी बैनर बनाए, देखें छोटे छोटे बैनर बने हुए, नए स्टार्टअप है, लेकिन ये कि आपकी मार्केटिंग हो रही है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? एक्सपो सेंटर आप जाएंगे, लाख रुपए आपको भी पता है कितने महंगे हैं, अभी आज़ाद चाय वाले ने कराया 1,00,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये का स्टॉल है, इसलिए आप लोग की मार्केटिंग होगी। सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना भाई फेवर है, कुछ नहीं है, वो तो भला हो इंडस्ट्री के लोगों का जिनका मैं आपको नाम दिखाता हूँ, उन सबके स्पॉन्सर्स की वजह से सब कुछ हो रहा है। 1,000 रुपये अगर हम एक स्टॉल के ले रहे हैं ना, तो एक स्टॉल की कॉस्ट कम से कम 10-15,000 रुपये में पड़ी है, जिसमें केज हैं, डेस्क है, टेंट है, 10 किस्म के, इनको हमने खाना वाना सारी रिफ्रेशमेंट वगैरह सब दी है। अगले साल हो सकता है रेट थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने अगर दी है ना, तो उसका कोई खास रीज़न है। अच्छा फैज़ भाई अगला बट बताएं कौन सा? वलीद अगला जो है ना, ये कंधारी में ट्राया है, जो असील का शॉप करते हैं ना आपके चैनल पे, बहुत लोग आते हैं, बोलते बहुत आते हैं असील, ये कंधारी है, इसका शॉप आप दिखाएं माशाल्लाह। यार इसके फेस, इस मुर्गे की फेस दिखाओ अगर दिखा सकते हो तो, मैं पकड़ के दिखाता हूँ ताकि ये शॉप हो। एक मिनट रुक फेस,
ये देखें भाई ये मुर्गा, ये पेयर ट्रायो कितने का जरा बताना दादन भाई। ये वलीद मेरा नहीं है, साथ के भाई हैं, उन्होंने बकौल उनके उन्होंने 80,000 का ट्रायो लिया है। तो माशाल्लाह से ये कि अच्छी क्वालिटी का बर्ड है। टेल देखें आप इसकी, स्टैंडिंग पोजीशन देखें, ये चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होती हैं। फेस देखें आप इसका, गंदा हो रहा है, लेकिन ये कि भाई हो सकता है हो 80,000 रुपये का, हमने तो क्या शामों वगैरह का काम किया, कुछ बोल नहीं सकते चीज़ें बात हो सकता है भाई। बट की हमें वैल्यू नहीं पता लगती, इसको बंद कर देते हैं और आगे चल के जरा दूसरे बर्ड्स का भी सेटअप दिखाते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि बीच में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो यहाँ पे चल रही है और ये बताएंगे आपको फैसले। पहले हम दिखा देते हैं चल क्या रहा है। एक जज वो बैठा है, एक जज ये हैं, एक जज ये हैं, ये एक्स्ट्रा पैनल है। मैं इनके सर शक्ल नहीं दिखाऊंगा, टीचर्स बैठे हैं। फैज भाई क्या हो रहा है ये बताएं भाईजान। इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन सा बर्ड जो है कितने पॉइंट पे है, यानी कि जिसका बर्ड अच्छा होगा अपीयरेंस के हिसाब से, फिर ये के साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, इंशाल्लाह उस पे जो है ना मेरे ख्याल में कोई कैश प्राइजेस वगैरह देंगे। कैश प्राइस वगैरह है भाई, क्या है मुस्तफा बता दें आप। मुझे नहीं मालूम, आपको ब्लास्ट में करके दिखा दूंगा। लेकिन शील्ड है उसके रिटर्न के अंदर, आपको दिखाता हूँ शील्ड, इस तरह की शील्ड है। और मेरे हिसाब से जो भी बर्ड जीतेगा ना, मेरे हिसाब से कौन सा वाला है पोल्ट्री ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये वाला है पोल्ट्री ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम से है ये। जो भी बर्ड जीतेगा उसको ये मिलेगा और जैसे बात है उसकी भाई हर जगह पे मार्केटिंग होगी। तो ये हमारा प्लान है, वो आपको जरा आगे जाके दिखाते हैं थोड़ी देर में। भाई ये चीज़ें चल रही हैं, कैमरा मैन एक हमारे साथ हैं और क्या कहते हैं आपको ज़रा दिखा देते हैं बर्ड की सिचुएशन क्या है। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत किस्म का ये तोता, और इससे हो गई हमारी दोस्ती बिल्कुल परफेक्ट वाली। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी दिखाते हैं और आपको ज़रा आइडिया भी दे देते हैं जैसे कोई भी विनर फाइनलाइज होता है। नहीं नहीं आप हैं, अच्छा भाई एक और सेटअप है, इसके बाद एक सेटअप आपको और दिखाएंगे। और इनके पास भी अच्छी खासी वैरायटी है, क्या कहते हैं लोवन ब्राउन है, उसके अलावा बैंटम्स हैं और मुझे कुछ के नाम तो नहीं मालूम। भाई से पूछते हैं यार अपना नाम बताएं, आप किस नाम से काम करते हैं। सैयद आतिफ रहमान नाम है और मेरे फार्म का नाम है मेरा लाइफ स्टॉक। मेरा लाइफ स्टॉक के नाम से ये काम करते हैं। नंबर ये मेंशन है, नंबर आपको एक दफ़ा दिखा दें पहले, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा जी ये बताएं क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद और क्या क्या वैसे काम क्या करते हैं। यहाँ पे लोमन ब्राउन है, हाँ, और बैंटम्स हैं, कुकू सिल्कीज हैं। लोमन ब्राउन में मैं काम करता हूँ, लोमन ब्राउन में काम करता हूँ अब्दुल्ला बशीर अलवी है लहिया से, वहाँ से मैं माल मंगवाता हूँ, वहीं पर हमारा फार्म है और यहीं पे हफ्ते की 200-250 मुर्गियाँ आती हैं और हमारी सेल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं जैसे लोमन के अंदर इशू चल रहा है कि वो ब्रीडर वाला मसला है, तो वो जो आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक लोग हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक लोग हैं। सही है सही है। अगर चाहिए हो तो क्या कहते हैं लोमन का अंदाजन रेट बताते हैं क्या है। लोमन का अंदाजन रेट तो 2,000 रुपये है लेइंग मुर्गी का, लेइंग मुर्गी का 2,000 रुपये पर पीस, बहुत ज़्यादा मुनासिब है। और उसके अलावा ज़रा बता दें क्या क्या चीज़ें ज़रा दिखा दें, कौन सी बट कौन से इसके बैंडम के चिक्स मिल, कौन से बैंडम चाहिए। ये स्प्लैश है, ब्लू है, वाइट है, स्प्लैश है, ब्लू है, वाइट है, और इन सब के चिक्स मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, 300 रुपए के हिसाब से इसके चिक्स मिल जाएंगे। अभी मौजूद है वैसे क्या। अभी मौजूद नहीं है लेकिन मशीन में लगे हैं। सही है, इसके चिक्स मिल जाएंगे और ये ब्रीडर पेयर नहीं मिलेगा। नहीं बिल्कुल। और ये कुकू सिल्की है, इसके चिक्स मिल जाएगा 600 पर पीस और ब्रीडर नॉट फॉर सेल। ये ब्रीडर भी भाई सेल नहीं है लेकिन इसके चूजे मिल जाएंगे आपको 600 रुपए के अंदर। कुकू सिल्की, कुकू सिल्की, ये अकेली फीमेल रखी हुई है। नहीं वहाँ से ले गई, मेल अभी जो है वो लेके गए हैं और शोकेसिंग के लिए, क्योंकि भाई जो है ना अभी ड्यूटी कॉन्टेक्ट जीते हैं। और ज़रा सर्टिफिकेट दिखाएगा कहाँ यार, ज़रा इनका बर्ड टॉप ऑफ द लाइन है, ये सर्टिफिकेट इनको मिला है सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं ना उसके लिए। अभी नाम का मेंशन कराते हैं ना, अभी रुक जाए चले अभी। अच्छा जी सर्टिफिकेट अलग चीज़ था, हमने बाद में देखा। ये पोल्ट्री ब्यूटी कॉन्टेक्ट की इनको शील है और इनका एक पेयर जीता है क्वालिटी के अंदर, कौन सा पेयर जीता जरा ये बताएं मुझे। सिल्की हमारे जीते, ये वाले सिल्की जीते हैं जिसका 600 रुपए का वो मिल जाएगा आपको चूजा। और वैसे रेट क्या होगा इसका अंदाजन, वैसे उस सेल के लिए नहीं है। नहीं रेट रेट अंदाजन वैसे मार्केट रेट 15,000 रुपए का आपको ये आराम से मिल जाएगा। अच्छा ये चीज़ जाती है, इसके बाद जो है ये आ रहा है अवेलेबल है, ये हेरिटेज है, इसकी जरा बताएं इसका क्या चीज़ अवेलेबल है। ये इसमें इसके चिक्स तो अवेलेबल नहीं है अभी, हाँ, मुर्गी की जरा तबीयत खराब थी तो इसके साथ हमने भी लगा दिए शो के लिए। सही है सही है, इंशाल्लाह एक महीने के बाद अवेलेबल होंगे, एक महीने के बाद ये भी अवेलेबल होंगे। क्योंकि यार मौसम में हल्का फुल्का फर्क आया है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू यही आया है कि सबके जो बर्ड है ना हल्के हल्के से डिस्टर्ब हुए हैं, तो हल्का फुल्का बर्ड रिकवर कर गया, कुछ थोड़ी देर में रिकवर कर जाएगा। इसके साथ कौन से सर ये बताएं। इसके अलावा ये पॉलिश है,
ये पॉलिश है, पॉलिश है का पेयर है और ब्लू का मेल है इसके। अच्छा, इसके चिक्स अवेलेबल है? चिक्स अभी फिलहाल चिक्स अवेलेबल नहीं है। और पेरेंट बर्ड बिल्कुल ब्रीडर भी अवेलेबल नहीं, ब्रीडर भी अभी फॉर सेल अभी फिलहाल नहीं है। सही 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 सही। ये चकोर खाली सिंगल रखा हुआ है, सिंगल मेल रखा हुआ है फॉर ब्यूटी पर्पज, मेल ही होता है बोलने वगैरह के लिए। यहाँ थोड़ा स्ट्रेस में है, डरा हुआ है, वरना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेल है। ये मज़ेदार शोर करता रहता है घर पर बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत चकोर। नेशनल बर्ड है ना हमारा, नेशनल बर्ड पार्टेज चकोर। अच्छा, इसके बाद दो बर्ड्स हमारे पास रह गए, जरा बताएं कौन कौन से हैं। ब्लैक हैवी कोचिन है हमारे पास, सही है, दो फीमेल्स हैं और ये जो है साथ में ब्लू की फीमेल है और ये ब्लू का बड़ा शरीफ सा मेल है जो अभी डिमांडिंग के अंदर है, वो जिसके साथ फोटोशूट चल रहा है माशाल्लाह। फोटोशूट चल रहा है, जरा दिखाते हैं आपको करीब से दूर से करके। ये है, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितना प्यारा बर्ड है ये, और फुली जिसे कहते हैं ना रेडी। ये फोटोशूट इसका चल रहा है भाई, ये बहुत डिमांड में बर्ड है, हर कोई इसके आगे इसके साथ पिक्चर लेता है, बहुत ज़्यादा ना खूबसूरत बर्ड है। अच्छा, ये फॉर सेल अवेलेबल है? ये फीमेल मेरे पास फॉर सेल है, ब्लू अभी फिलहाल फॉर सेल अवेलेबल। और इसके चिक्स अवेलेबल है? चिक्स अभी अवेलेबल इंशाल्लाह होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह चिक्स अवेलेबल होंगे। सही सही सही, देख रहे हैं भाई कितना खूबसूरत बर्ड है। तो चलिए भाई शुक्रिया, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया उस फॉर्म के नाम से। आपका नाम? ठीक है ठीक है, मेरा नाम मुजम्मिल है। सही है सही है। मेरा नंबर भी अगर नोट करना है 0331-0331-22-369-369-22। तो इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुजम्मिल मेरा नाम है, दूसरा आतिफ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों बंदों के नंबर मैंने आपको हैंड ओवर कर दिए, इससे अगली तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला पार्ट। अच्छा जनाब, आज का जो लेस नहीं लास्ट, जिसके बाद एक एग्जीबिटर और हैं, ये हैं एके फार्म्स वाले, बहुत पुरानी हमारी इनसे बातचीत भी है और इनका फार्म का नंबर वगैरह मैं आपको जरा बाद में बताता हूँ। पहले इनसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, किस तरह का हिसाब रहा बताएं सर। अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं? वैलकम सलाम। लोमन ब्राउन, लोमन ब्राउन इनके पास भी, और उसके साथ एक मिनट आपको करीब से दिखाना शुरू करते हैं ना। ये मैं खाली अभी विजिट के लिए लाया हूँ, मार्केटिंग के लिए दो तीन ले आया हूँ, तीन पीस लेकर आया हूँ मैं मार्केटिंग के लिए ना। सही है। और इसका ये है कि ये ब्रीड खाली ये ऑर्गेनिक वाले के पास होती है, ये ब्रीड F1 उनके पास माँ बाप है, बाकी कोई भी है सब फ्रॉड है। अच्छा जी भाई, एक चीज़ आपको जरा क्लियर कर दूँ, भाई ने बताया कि ऑर्गेनिक वाली के पास ब्रीडर है, उनके पास इनके पेपर्स भी हैं, आपको पेपर्स भी दिखा दूंगा, और वो एक बात दोनों क्लैश करेगी दूसरे फार्मर से, लेकिन भाई जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमने आपका दोनों का अच्छे से बता दिया, ऐसा ही है ना? जी जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो प्रोवाइड बहुत अच्छी करते हैं, फार्मर किट देते हैं, वो शेड्यूल बताते हैं फीड का, और नया फार्मर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि नया फार्मर परेशान हो जाता है। जैसे कि आप फार्मर किट होती है, सही है, वैक्सीन का एक काम करते हैं ना, दिखाना शुरू करते हैं, बल्कि यह एक काम करते हैं पहले बर्ड्स दिखाएं उसके बाद किट भी दिखाते हैं। ज़रा मुझे पहले बताएं कि बर्ड्स लोमन आके तीन पीस लेकर आए हैं आप, मैं ज़रा लोमन की क्वालिटी दिखाता हूँ। गोल्डन मिश्री थे वो सेल होगा, गोल्डन मिश्री थे हमारे पास, वो फिलहाल यहाँ पे सेल होगा। लोमन के एग्स भी रखे हुए हैं, अभी दिए हैं या वैसे लाके रखे? अभी तो तीन लेकर आए थे सुबह, लेकिन अभी दिए हैं। अच्छा, सुबह तीन लाए थे लेकिन वो एग्स दूसरे केज में रखे हुए हैं, और ये दो एग्स जो दिख रहे हैं ना आपको बहुत दे रहे हैं भाई लोमन को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। एक छोटी वीडियो मैंने आपके साथ अभी शूट करनी है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या तरीका अभी काम है, लेकिन गोल्डन मिश्री भी बहुत अपनी जगह बहुत अच्छी है, गोल्डन मिश्री भी अपनी जगह अच्छी है। इसके बाद लोमन के अलावा ये कौन से बर्ड हैं? फैंसी में आ गए लाइट ब्रामा, लाइट ब्रामा के चिक्स अभी साढ़े तीन महीने के। क्या रेट है इनके? ये हम चलते हैं क्या नाम है, 5,000 रुपये पर पीस दे रहे हैं, 5,000 रुपये पर पीस दे रहे हैं। और इसके साथ ये ये बैंटम से थोड़ा घर के लिए होता है, ये फ्रेंडली बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं ये ना, और ये भी बैंटम बहुत फ्रेंडली होता है ये घर के लिए। सही सही सही। और इसके साथ हमारी LSL वाइट लेयर है, लेयर का रेट क्या चल रहा है वैसे और क्या हिसाब किताब है इनका? 2,000 रुपए की मुर्गी होती है, और ये इसका अंडे का आपको रेट आपको पता है मार्केट में का जो। सही 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 सही। अच्छा भाई, बात सारी है, अब जरा पेपर्स दिखाएं हमें उसके वाले जो हमने डिस्कस करने थे ना, आपको जरा उसके पेपर। ये होती है इनकी फार्मर किट भाई, ये आ गई है इनकी फार्मर किट ऑर्गेनिक। अच्छा भाई, ये आ गई है फार्मर किट इनकी ऑर्गेनिक वैली की, ऑर्गेनिक वैली से इन्होंने चूजे उठाए थे, कितने उठाए थे? 1100 के करीब बर्ड उठाए थे गारंटीड करके। और आपके पास रसीद पड़ी हुई क्या इनकी? दिखाएगा जरा रसीद उसकी, जो ऑर्गेनिक वैली की अपनी रसीद इन्होंने देते हैं। ये देख रहे हैं भाई, बिल आ गया आपके पास ऑर्गेनिक वैली का, सारी डिटेल भाई की गिवन है। ये आप ही का नंबर है? नहीं नहीं, ये मेरा नंबर है, ये भाई का नंबर है। ये आपका नंबर ये है जी? ये कहाँ पे मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ये नंबर तो चेंज किया है, लेकिन वो बुकिंग के लिए तो उनके अच्छा ऑनलाइन पैसों की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का नंबर है ना, वो सब चीज़ें उसके ऊपर मेंशन है। तो और एक मिनट में ज़रा मेंशन कर दूँ, ऑर्डर टोटल हुआ है 165,000 रुपये का, चूज़ों की क्वांटिटी 1100 है, प्राइस 150 से, और टोटल अमाउंट बना 150। अभी जो 170 190 अभी तो अच्छी खासा रेट बढ़ गया। अच्छा एक चीज़ और ये इसके ऊपर ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है कोई? उसमें सब मोबाइल में वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि सिर्फ शो कराने का रीज़न ये था कि भाई कन्फर्म ऑर्गेनिक वैली के बर्ड्स हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। दो और रेट क्या है इसका?
ये लोमन का, लोमन का तो हम 2500 रुपये की दे रहे हैं। 2500 रुपये की तरफ से गारंटीड बट जिसे कहते हैं। तो भाई भाई का गला बैठ गया क्योंकि हम सुबह से लगे हुए, अभी टाइम 3 बज रहे हैं, आपको आवाज़ में दम नहीं लग रहा होगा, उसका रीज़न ही यही है। पोल्ट्री वालों का यही होता है कि सुबह 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 ताज़े होते हैं। और अब जो ना बिल्कुल लो एनर्जी हो गई सुबह रश, इतना तो हम दिखा नहीं पाए। अच्छा भाई का आपको नंबर दिखा देते हैं, नंबर यार आपका नंबर फंस रहा है हल्का सा, 03118928998। तो ये नाम है और एक ए पोल्ट्री के नाम से ये बेसिकली काम करते हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया, आपके गले में जान नहीं है, वरना हम लोमन के ऊपर थोड़ी सी बात बात करते लंबी करेंगे भाई आप लोगों का, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज। हाँ यार, ये तो रिस्पांस लेना बोल गया, आपके ख्याल में एग्जीबिशन का रिस्पांस कैसा है ये बताएं। बहुत जबरदस्त हुआ है और मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूं मैं। अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा ऑर्गेनाइज की। और कोई कस्टमर रीच मिली आपको ये बताएं? ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सब लेके गए नंबर, अब भी माशाल्लाह ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं। चले चले भाई, अल्लाह बरकत दे। और हमने आपको बताया था कि खास कॉस्टिंग नहीं होती, बस ये शौक के लिए हम लोग करते हैं, तो माशाल्लाह से देख रहे हैं ना आप कितना अच्छा रिस्पांस है भाई। एक और सेटअप की देखते हैं जरा, और अभी जो है ना उसामा भाई के पास मौजूद है। उसामा भाई, अल्लाह का करम, उसामा भाई के पास यहाँ पे मोल लाए हैं आज वो अपना, और साथ में 2 फीजेंट्स के बट लाए हैं और एक और बड़ा खूबसूरत सा बट, ये सर, ये और ये है कैलिफोर्नियन क्विल्स हैं और बड़ी खूबसूरत होती है देखने में, आपको शायद डब्बे में नहीं दिख रही हो लेकिन बहुत खूबसूरत है। कितने का पेयर है वैसे इसका? ये तकरीबन 16,000-17,000 का, 16,000-17,000 रुपए के बटेर समझ लें अगर आप उसको उर्दू में बोलें साफ सुथरी लैंग्वेज में। ये है रियर आइटम है, मतलब एक मिनट में जरा आपको फेस दिखाता हूँ करीब से करके, ये देख रहे हैं मेल दिखाएं पहले, तो मेल में आपको दिखाता हूँ इसका मेल कितना खूबसूरत है, ये देखें, अरे कितना खूबसूरत है, मतलब रियर आइटम है और ब्रीड भी मतलब लोकल जिस तरीके से बटेर करते हैं तकरीबन समझ ले वैसे उसी हिसाब से ही ब्रीड करता है। अच्छा जी, और इसके क्या कहते हैं यार ये बताएं, आपका अपना चैनल भी है उसामा भाई का बिफोर बर्ड्स के नाम से और उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, ऐसे ही ना भाई? हाँ, तो अभी बताएं कैसा रिस्पांस रहा एग्जीबिशन का आपके ख्याल में? अच्छा रहा, हम तो तकरीबन तीसरा साल है, और ये कि यार मज़ा आता है, एक समझ लें एक इंजॉयमेंट, स्टूडेंट्स भी आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो ये कि एक स्टूडेंट्स को भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है और ये कि थोड़ा हम भी एंटरटेन हो जाते हैं, बर्ड्स वगैरह देख लेते हैं, यूनिक आइटम कोशिश करते हैं हर साल कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आए और कोशिश पूरी होती है। इस साल भी आप लोग देख सकते हैं काकाटू लेकर आए हैं, काकाटू वो देखे, वो हाथ में मसरूफ़ है वहाँ पे मेरा भाई, तो ये कि कोशिश करते हैं हर साल कुछ ना कुछ यूनिक आइटम लेकर आए ताकि जो है थोड़े स्टूडेंट्स एंटरटेन हो। तो हर दफ़ा भाई इन्हीं के 3 दफ़ा से आ रहे हैं और 1 दफ़ा तो ये अपने फीजेंट छोड़ गए थे ऐसे ही, हमें पता नहीं था किसके थे पर वो इन्हीं के भरोसे वाले थे तो हम देखे, तो ऐसे मसले वाली बात नहीं है, लेकिन भाई आपके हिसाब से बेहतर रहता है ना अवेयरनेस के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई आप लोग नेक्स्ट टाइम जरूर आना और याद रखना इसको आने का। यहाँ तो ये सीन है ना कि लोगों ने बैंटम भी नहीं देखी, बैंटम होता क्या है। हाँ, तो ये कि यार समझ ले देसी मुर्गियाँ लोगों ने देखी भी है, तो बस ये सीन है, बस ये यूनिक यूनिक आइटम जो है मिल जाते हैं। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब भी होना इंशाल्लाह आपने जरूर चक्कर लगाना, आपको हमने छोटा सा ओवरव्यू दे दिया यहाँ का। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। साहब आ गए हमारी एग्जीबिशन के अंदर और मेरे हिसाब से जरा पूछ लेते हैं कि कैसा रहा उनके हिसाब से ये, और जरा बताएं। बहुत अच्छा लगा जी, हमें तो वैसे ही शौक है जानवर पालने का और ख़ास तौर पे हलाल जानवर, इससे फ़ायदा होता है। अगर आप लोगों में बाहर मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है अगर कोई जानवर पालता है। तो मैं नॉर्वे में था, मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ अगर किसी की गाय मर गई ना तो गवर्नमेंट ही छोड़ती है। वजह उसकी है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने मरने से पहले डॉक्टरों को क्यों नहीं बुलाया, आपने बताया क्यों नहीं, ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। तो जितनी कीमत इंसानों की है उससे थोड़ी सी कम बस जानवरों की है। वहाँ हमारे मुल्क में है ही नहीं कोई ऐसा सेटअप। इसका नुकसान क्या हो रहा है, देखें जब आप जानवर पालते हैं ना, खासतौर पर हलाल जानवर, उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको खाने को मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, गोश्त मिलता है, दूध मिलता है आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक, जिससे आपकी सेहत अच्छी होती है। दूसरी एंटरटेनमेंट मिलती है आपको, वो ऐसी एंटरटेनमेंट है जो आपके जहन को फ्रेश करती है। अगर आप इस तरह की एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाते तो आप पबजी और मोबाइल में लगे रहते हैं जो डिप्रेशन में लेके जाती है आपको ये चीज़ें। तो माशाल्लाह इन साथियों ने जो मेरे साथ बैठे हुए और यहाँ की टीम, खासकर मुझे दावत देने को आए थे भाई बिलाल, भाई बिलाल भाई आए हैं स्पेशल दावत देने के लिए, बिलाल भाई का खुशूसी शुक्रिया। और आप लोगों ने जो ये काम किया है ये एक अच्छा काम है, मुस्बत काम है, लोगों में शौक पैदा होगा जानवर पालने का और इससे ये बहुत अच्छी जहनी तफरी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट थी या किसी और चैनल की, मुझे एग्जैक्ट चैनल का नाम अभी जहन में नहीं है, कि दुनिया के उन इलाकों में उन्होंने सर्वे किया जहाँ लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, तो उनमें जहाँ उनकी खुराक का बड़ा दखल था वहाँ एक चीज़ थी कि वो लोग अक्सर ज़मींदार लोग थे जो खेती बाड़ी में लगे रहते थे और जानवर पाले हुए। तो ये ऐसा शौक है गार्डनिंग का और जानवर पालने का कि इसमें अगर आप अपने आप को बिजी करते हैं ना तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपकी
मेंटली आप बहुत हेल्दी हो जाते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो अच्छी खुशी हुई आके अल्लाह ताला आपको जुदाए खैर और मुझे इनवाइट किया इस पर, फिर इस पर आपका आप लोगों का फिर दोबारा शुक्रिया। अच्छा जी भाई, दिन भी एंड हो गया और सारी चीज़ आपको दिखा दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है 2500 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम पोल्ट्री की कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारी कंप्लीट कंसल्टेशन होती है। आपको गाइड करेंगे आपने किस तरीके से काम करना है, और या तो आप कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं, दोनों के लिए आप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारा डिपार्टमेंट टीम पोल्ट्री साइंस का है और साथ में मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 6 साल का है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो भी बताएगा, और अगर इतनी इनफ थी तो भी बस बता देगा। तो जिस तरह कहेंगे उस तरीके से भी हम चैनल को आगे स्विच करते रहेंगे। अच्छा भाई, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे ना, उन सबको तकरीबन कुछ को हटा के सबको शील्ड मिली थी वीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के। और उसके साथ साथ मैंने कहा आपको ज़रा सा आइडिया भी दे दें कि बिहाइंड दी टीम कितने लोग थे, और सारे नहीं है इसमें से, अभी भी कुछ अच्छे खासे मिसिंग थे, पर मैंने कुछ की पिक्चर्स जो है ना साथ में अटैच कर दिए। और ये है ओवरऑल हमारे बैच की पिक्चर, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी।